अस्सलाम वालेकुम फैमिली कुजिन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। घर की बनी हुई क्रिस्पी चिकन पॉप्स से हम ये बर्गर तैयार करेंगे। अगर आपको चिकन पॉप्स की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये क्रिस्पी चिकन किस तरह से बनाई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने बन पर केचप लगाया, उसके बाद चिकन पॉप्स को फ्राई किया और उस पर रख के फिर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। मेयोनीज़ लगा के मैं इसे फाइनल करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे वेजिटेबल्स तो नहीं खाते, इसीलिए मैं इसी तरह से इसको फाइनल कर दूँगी और बीच में से कट करके आपको दिखाती हूँ कि क्रिस्पी चिकन भी कितनी अच्छी से फ्राई हुई है। आप क्रिस्पी चिकन की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से मैंने वहाँ पर बताया है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार हुई थी, एकदम अंदर से जूसी, बिल्कुल भी सूखी हुई नहीं। इसी तरह से मैं दूसरा बर्गर भी तैयार कर लूँगी और बस ये हमारे दोनों बर्गर तैयार हो जाएंगे सेम मेथड के साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद यह कि हम अगर घर में इस तरह की चीज़ें रेडी करके रखते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें हम उससे दूसरी बना सकते हैं और बहुत सी आसानियां भी पैदा कर सकते हैं। सबसे बढ़कर वक्त की बचत बहुत हो जाती है, अगर कुछ नहीं है तो झटपट से बच्चों के लिए हम ये करके उन्हें दे सकते हैं, तरह से हम भी खुश और बच्चे भी खुश। तो देखिए यहाँ मेरा दूसरा बर्गर भी रेडी है, मैं इसे भी कट कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेंगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।